वेलकम टू एशाज यंग आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड स्पेशल, और ये लॉकडाउन पीरियड में स्पेशली कैसे हम अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करें और फॉलो करें, उसके लिए वीडियो बनाया है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, हमें टाइम टेबल बनाना है तो हमें समझना होगा अपना सिलेबस, अंडरस्टैंड द सिलेबस, हमारे कितने सब्जेक्ट्स है, उसमें क्या चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है, कितना टाइम लगेगा कवर होने को। तो पहले हमको उसका सिलेबस हमारा पूरा समझना है। तो जनरली जो हमारे सब्जेक्ट्स है, इन जनरल अगर आपने कोई लैंग्वेज अलग ली है तो उसके हिसाब से अपना मॉडिफाई कर सकते। तो इंग्लिश है, इंग्लिश की बुक आप देखोगे कुमार भारती, उसके अंदर 24 चैप्टर्स है। हिंदी, हिंदी में 22 चैप्टर्स है। मराठी 16 चैप्टर्स है। मैथ्स 1 में 6, मैथ्स 2 7, साइंस 1 में 10, साइंस 2 में 10, हिस्ट्री और पॉल साइंस मिला के 14 चैप्टर्स है, और ज्योग्राफी में 9 चैप्टर्स। तो ये हमारा सिलेबस है, ये हमको पूरा कवर करना है। इसके अलावा है लैंग्वेजेस के ग्रामर और कंपोजिशन, तो वो उनको हमको नहीं भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम कवर करना है हमको। तो ये हमारा सिलेबस हमने समझ लिया। अब हमको हमारे गोल्स सेट करने, सेट योर गोल्स। और गोल्स कौन से सेट करने हैं हमको, हमको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म गोल सेट करने हैं। तो हम तीनों गोल्स सेट करेंगे। वो कैसे सेट होंगे? हमारा शॉर्ट टर्म गोल होगा डेली डेली बेसिस पे हमको अपना गोल टारगेट डिसाइड करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। उससे पहले हमको वीकली अपना टारगेट भी डिसाइड होना चाहिए कि हम वीक एक हफ्ते में क्या कवर करना चाहते हैं, और महीने महीने भी क्या कवर होना चाहिए उसका हमको एक आइडिया होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए। तो ऑफकोर्स इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमें पूरा सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम अपना पूरा सिलेबस एटलीस्ट 6 मंथ्स में कंप्लीट कर ले। तो हमारा ये टारगेट होगा फिनिश द सिलेबस इन 6 मंथ्स, मतलब आप जून से स्टार्ट कर रहे हो तो नवम्बर तक आपका सिलेबस कम्प्लीट हो जाना चाहिए। तो दैट शुड बी द टारगेट। तो फिर अब जाते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स पे। तो अगर लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें, जैसे हम मंथ की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे हमारे पास 6 महीने का टाइम है और हमारे पास इंग्लिश में जैसे 24 चैप्टर्स है, तो हमको एक महीने में कितना, 6 मंथ्स में अगर 24 चैप्टर्स करने हैं तो सिंपल मैथ से हमको एक महीने में 4 चैप्टर्स करने होंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जो हमने किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, और हिस्ट्री ज्योग्राफी को हमने एक साथ करके जो है 14 प्लस 9 होता है, जैसे कि 24, तो उस हिसाब से हमने ये किया है। तो 23 चैप्टर्स होता है, तो अप्रॉक्सिमेटली 24। तो हमको अगर 6 महीने में 24 चैप्टर्स कंप्लीट करने, तो 4 चैप्टर्स पर मंथ आता है। तो वैसे ये अप्रॉक्सिमेट हमको आइडिया मिलती है कि हमें कैसे एक महीने में कितना कवर होगा। तो 6 महीने नहीं, 7 महीने, लेकिन ये फाइनली हमको ये कवर इतना सिलेबस करना है। फिर ये मंथली गोल हो गए हमारे। इसके बाद आएगा मीडियम टर्म गोल। तो मीडियम टर्म गोल कैसे हो गए कि हमको हफ्ते हफ्ते कितना कवर होना चाहिए। तो हमको एंड ऑफ द वीक में, जो हमारा अगर हम वीक स्टार्ट करते हैं मंडे से, तो सैटरडे तक हम एटलीस्ट स्टडी करेंगे। संडे का दिन हमने टेस्ट के लिए रखा है, हमको टेस्ट भी देने चाहिए, तो उसके लिए भी आप रिवाइज करके संडे को रिविजन करके टेस्ट देते रहे, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। तो मीडियम टर्म गोल्स जो हो गए, तो एक हफ्ते में जैसे हमने 6 दिन में कितना कवर किया करना है, हमको टारगेट क्या है हमारा, वो हफ्ते का, हर हफ्ते का, वो हमको देखना होगा। तो इंग्लिश में जैसे 24 चैप्टर्स का हमने किया 4 चैप्टर्स पर मंथ, तो ऑफ कोर्स देन वन मंथ हैज 4 वीक्स, तो 1 चैप्टर पर वीक होगा। तो इस हिसाब से आप, मैथ्स का बहुत सिलेबस है और चैप्टर्स कम है, लेकिन एक्सरसाइजेस काफी है, प्रॉब्लम सेट्स काफी है, तो हमको उस हिसाब से 1/4 चैप्टर एक हफ्ते में भी कवर हुआ तो काफी है। मतलब 1/4 चैप्टर, मतलब कि अगर वो एक्सरसाइज में 8 प्रॉब्लम, वो चैप्टर में 8 प्रॉब्लम सेट्स है, तो आपको 2 प्रॉब्लम सेट्स पर वीक करनी है, ज्यादा है तो उस हिसाब से। तो एक अंदाजा आप इतना कवर कर सकते हैं। इजी एक्सरसाइजेस है तो उसको आप मर्ज कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, ज्यादा एक साथ ले सकते हैं। जो डिफिकल्ट है तो उसको आप, प्रॉब्लम सेट जनरली डिफिकल्ट होता है, प्रैक्टिस सेट ईजी होता है, तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे डिविजन कर सकते हैं। लेकिन 1/4 ऑफ द सिलेबस और 1/4 ऑफ द चैप्टर जो है आपका कवर होना चाहिए एक हफ्ते में, तो वो हिसाब से ये आपका कवरेज है। साइंस में 1/2 चैप्टर अ वीक किया तो कवर हो जाएगा इजीली आपका सिलेबस। तो ये है। इसके बाद आते हैं, ये तो हफ्ते हफ्ते का कितना टारगेट है, ये हमें बार बार देखना होगा। आपको ये जो इमेज है इसको बार बार देखनी होगी। लॉन्ग टर्म गोल को भी आपको बार बार देखना होगा, मीडियम टर्म गोल्स को भी आपको बार बार देखना होगा, हर हफ्ते अपना अपना आपको इवैल्यूएशन करना होगा कि आपने इतना कवर किया कि नहीं। मंथली भी आपको इवैल्यूएशन करना होगा कि मंथ में उतना कवर हुआ कि नहीं जितना हमारा टारगेट था। तो
लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और फिर आते हैं शॉर्ट टर्म गोल पे। शॉर्ट टर्म गोल एक्चुअली डेली बेसिस के गोल है। तो हमको हर एक चैप्टर में क्या करना है, हमको हर एक चैप्टर में जो हम बोल रहे हैं हाफ चैप्टर करो, वन फोर्थ चैप्टर करो या एक कंप्लीट चैप्टर अ डे करो, एक इन अ वीक करो, तो उसके अंदर हमको डेली बेसिस पे एक्चुअली जो करना है तो उसमें हमको क्या क्या वो चैप्टर का कवर करना होगा। अगर एक हफ्ते में एक चैप्टर समझो हो रहा है तो उसमें हमें चैप्टर समझना है सबसे पहले, अंडरस्टैंड द चैप्टर। दूसरा है सॉल्व ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। तो टेक्स्ट बुक के पीछे हमारे जो सवाल होते हैं और एक्स्ट्रा सवाल भी जो हमको करने हैं तो वो सारे सवाल हमको सॉल्व करने हैं। तीसरा स्टडी द आंसर्स इन प्रैक्टिस। तो जो जहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने वहां पे हमको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है उसके आंसर राइटिंग। मैथ्स में काफी प्रैक्टिस करनी है तो वो इम्पोर्टेंट है। एंड फाइनली अटेम्प्ट अ टेस्ट। तो ये हमारे चार स्टेजेस हो गए हर चैप्टर के लिए कि हमको क्या करना है। अगर चैप्टर कवर करना, हम बोल रहे कि हमारा चैप्टर कवर हो गया, मतलब ये चारों चीजें हुई, हमने टेस्ट भी दिया और उसका भी हमने अच्छा स्कोर किया, तो हमारा जो है चैप्टर सही से कंप्लीट हुआ है ये हम कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स है। अब इनको फिट कैसे करना है, अलॉन्ग विद दिस इवन ग्रामर कंपोजिशन भी है, वो आपको डेली करना होगा। तो डेली आप थोड़ा टाइम निकाल के ग्रामर कंपोजिशन भी करेंगे, वो कैसे कवर होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अब ये देखिए हमारा स्टेप थ्री आ गया। तो स्टेप वन था अंडरस्टैंड द सिलेबस था, सेकेंड स्टेप था सेट योर गोल्स। अब आते हैं वीकली प्लान पे कि हम वीकली प्लान कैसे प्रिपेयर करें। तो वीकली प्लान भी हमने एक मॉडल प्रिपेयर किया है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी कर सकते हैं, बट दिस वुड बी द बेस्ट, वी वुड रिकमेंड कि आप ये फॉलो करें, पर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तो ये मंडे टू सैटरडे का प्लान है। हमें सिलेबस कवर करने के लिए हमको मैथ्स और साइंस को ज्यादा टाइम देना होगा। तो साइंस जो है हम हर हफ्ते कर रहे हैं, पूरे हफ्ते में कर रहे हैं, एक दिन साइंस वन तो दूसरे दिन आप साइंस टू कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूअसली साइंस वन करना तो आप वैसे कर सकते हैं, 3 दिन साइंस वन कंटिन्यूअसली, 3 दिन साइंस टू कंटिन्यूअसली, इट्स योर चॉइस। मैथ्स वन मैथ्स टू भी वैसे ही है, 3 दिन हफ्ते में 3 दिन मैथ्स वन है, हफ्ते में 3 दिन मैथ्स टू है। फिर आते हैं सोशल साइंस पे भी, तो हफ्ते में 3 दिन हिस्ट्री, हफ्ते में 3 दिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस। तो ये आपका एक जनरल एक आइडिया है। ज्योग्राफी अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आप ज्यादा टाइम हिस्ट्री को दे सकते हैं, तो वैसे है। तो ये वीकली प्लान है। और लैंग्वेजेस भी, तो लैंग्वेजेस हफ्ते में 2 बार इंग्लिश आता है, हफ्ते में 2 बार हिंदी, एंड देन ट्वाइस अ वीक मराठी। इसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश जल्दी कवर कर लेते हैं तो आप इंग्लिश कम टाइम में कवर हो सकता है तो आप उसको कम टाइम दो, मराठी ज्यादा टाइम दो, दैट डिपेंड्स। बट एक नो वेल बैलेंस्ड जो प्लान है एक वीकली प्लान वो ऐसे रहेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये है कि आप जैसे हमने डिस्कस किया कि हर सब्जेक्ट थ्राइस अ वीक एटलीस्ट कवर होता है, लैंग्वेजेस जो है वो ट्वाइस अ वीक कवर होती है। तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, तो हमारा जो प्लान है, तो अगर एक चैप्टर जैसे हमने कहा था 4 चीजें करनी है एक चैप्टर करने को, तो अगर हम वीकली प्लान में हम 3 दिन दे रहे कोई सब्जेक्ट को, तो 3 दिन में क्या करना है हमको, यहाँ हमको क्लियरली पता चलता है। फर्स्ट टाइम जो आप करोगे, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे साइंस का, जैसे साइंस वन मंडे को है, वेडनेसडे को और फ्राइडे को है, तो इसका मतलब है हमको मंडे को क्या करना है, मंडे को हमको चैप्टर क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, समझ लेना है। अगर हाफ अ चैप्टर था, जैसे हमने डिस्कस किया वीकली हाफ अ चैप्टर है, तो आप हाफ एक एक दिन में अगर एक हफ्ते में हाफ अ चैप्टर कर रहे हो तो एटलीस्ट हाफ द चैप्टर आप सही से समझ लो, उस पार्ट में से अगर सवाल आपको सब कवर करने तो वो कवर कर लो। अगर आपको पूरा चैप्टर भी 2 बार एक हफ्ते में कर लेना है तो आपका 2 हफ्ते में ये स्प्रेड आउट हो जाएगा, मतलब 2 हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप डे 1 डे 2 को अंडरस्टैंड द चैप्टर कर सकते हैं, डे 3 डे 4 को आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसके, और डे 5 डे 6 जो होगा, मतलब आपको 2 हफ्ते मिलेंगे तो 6 दिन मिलेंगे, तो डे 5 डे 6 में आप उसके आंसर स्टडी करके उसके प्रैक्टिस कर सकते। लैंग्वेजेस के लिए 2 दिन है तो आप ये आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस साथ में ही कर सकते, डे 2 में सॉल्विंग के टाइम पे आपको कर सकते। तो ये 6 दिन 3 दिन का प्लान होगा और संडे को आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं आगे स्टेप 4 पे। तो फर्स्ट स्टेप हम फिर से कलेक्शन कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंड द सिलेबस, सेकेंड स्टेप सेट योर गोल्स, थर्ड स्टेप था वीकली प्लान। अब वीकली प्लान के बाद स्टेप 4 हम आते हैं प्रिपेयर द टाइम टेबल। तो अब हमको एक डेली टाइम टेबल सेट करना है कि हम अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो ये प्रिपेयर द टाइम टेबल स्टेज पे हम आए हैं। तो इसमें हमने एक
जनरल आइडिया दिया है कि आप जो है आपके दिन के 24 घंटे उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट हम सजेस्ट करेंगे 2 आवर्स साइंस करो, 2 आवर्स एटलीस्ट मैथ्स करो, सोशल साइंस को भी एटलीस्ट 2 घंटा दो, लैंग्वेजेस को 2 घंटा दो। इधर आपके कम ज्यादा आप कर सकते हैं, ज्यादा टाइम आपको साइंस और मैथ्स को देना है और आप सोशल साइंस और लैंग्वेज जल्दी कवर कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बैलेंस्ड अप्रोच में हमने डाला है, तो आपको एक्चुअली ज्यादा टाइम लगेगा मैथ्स और साइंस के लिए, बट 6 मंथ्स में एटलीस्ट आपको सिलेबस कवरेज एक साथ पूरा करना है, तो उसके लिए हर सब्जेक्ट को टाइम देना होगा। 6 मंथ्स के बाद जब आपके रिविजन्स वगैरह हो गए, तब आप साइंस और मैथ्स को बहुत टाइम देना रिकमेंडेड भी है और इम्पोर्टेंट भी, तो उसको टाइम लगेगा। तो ये 8 आवर्स की स्टडी हुई, 2 आवर्स पर सब्जेक्ट। फिर आया 8 आवर्स की स्लीप, एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप इम्पॉर्टेंट है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, स्लीप इज नॉट टाइम वेस्ट, स्लीपिंग मोर देन दिस, इससे ज्यादा सोना टाइम वेस्ट हो सकता है या नॉट अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम होगा, बट एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप जरूरी है, वो आप सही से कंटिन्यूस रेस्ट लो। उसके बाद हमने ब्रेक्स भी लिए है, तो ब्रेकफास्ट 1 घंटा लगता नहीं है, पर 1 घंटा आप आगे पीछे आप जो भी करना है आपकी एक्टिविटीज, आप ब्रेकफास्ट के लिए 1 आवर ब्रेक ब्रेकफास्ट ब्रेक ले सकते हैं, 1 आवर लंच ब्रेक ले सकते हैं, 1 आवर डिनर ब्रेक भी ले लो, 1 आवर स्नैक्स ब्रेक भी ले लो इवनिंग में, 1 आवर इवन बाथ एंड अदर एक्टिविटीज के लिए भी आपने ले लिया, इसके बाद भी आपके पास 3 घंटा फ्री टाइम बचेगा। इसका एडिशन ये है 24 आवर्स, मीन्स 8 घंटा सोए, 8 घंटा पढ़ाई की, 8 घंटा बाकी एक्टिविटीज के लिए है, तो आपके पास दिन के 24 घंटे में इतना टाइम होता है जो हम सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपना दिन प्लान नहीं करते। तो प्लानिंग योर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आते हैं कैसे प्लान करेंगे ये। तो ये तो एक जनरल आइडिया मिल गया कि हमको ठीक है 8 घंटा दिन में पढ़ना है जो हम करेंगे, तो इसको कैसे प्लान आउट करेंगे। तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा, कि एक सैंपल, 2 सैंपल टाइम टेबल से एक्चुअली, कोई लोग जल्दी उठते कोई लोग लेट उठते। अब ये एज अर्ली एज 7, आप अगर 5 बजे उठते तो उस हिसाब से टाइम सेट कीजिए, अगर आप 10 बजे उठते हो तो यहाँ पे एक शेड्यूल है। आप ऐसे तरीके से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल, योर ओन पर्सनलाइज टाइम टेबल, सो दैट इज व्हाट यू वुड रिकमेंड। ये सिर्फ सैंपल्स है, तो आप कितने भी बजे, जो भी आपका टाइम है, डजेंट मैटर, बट आपको अपना काम जो करना है, 8 आवर्स की स्टडी कैसे आप फिट करोगे वो इम्पोर्टेंट है। तो ये एक आइडियल टाइम टेबल है जो यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है, आइडियल टाइम टेबल जो आप बनाओगे वो भी एक आइडियल टाइम टेबल होगा, जो आप चाहते हो आप करें, वो आपसे होगा ऐसे आप बनाओ। अब नहीं होगा उसमें कोई टेंशन नहीं, अगर कोई दिन नहीं भी हुए जैसे भी है, पर आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आइडियली आपको क्या करना है, अगर आपको पता है आइडियली आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे कवर करना है, और वो कवर नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट हमें एक गिल्ट रहता है, हमें एक जद्दोजहद होती है कि हम ये करें, तो हम इसकी तरफ कोशिश करेंगे कि हम ये फॉलो कर पाए। तो एक टाइम टेबल ऐसे बनाइए जो आप फॉलो कर सके, और नहीं भी फॉलो हो तो भी टाइम टेबल बनाना अपना काम करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप दिस, दिस स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक डेली प्लान बनाना ही है। तो यहाँ पे जैसे आप सैंपल टाइम्स देख रहे हो, बीच बीच में मैंने ब्रेक दिया, अगर 1 घंटा साइंस किया तो आधा घंटा फ्री टाइम दिया है, 1 घंटा मैथ्स किया तो फिर से 1 घंटा फ्री टाइम है, सोशल साइंस 1 घंटे के बाद, तो मैंने कहा साइंस 2 घंटा, मैथ्स 2 घंटा, लेकिन आप प्रिफरेबली 2 घंटा कंटिन्यूअसली ना करें, ब्रेक लेके दूसरा सब्जेक्ट लेके आप बाद में करोगे, तो आपको जो है रिवाइव अच्छा होगा। जैसे हम फ्रेश सब्जेक्ट उठाएंगे तो हमारा फ्रेश स्टार्ट होगा, अगर हम एक दिन पूरा साइंस करेंगे तो वो साइंस आपका 1 घंटा 2 घंटा सही से होगा, उसके बाद उसमें इतने आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे, तो वो ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा जो है एफिशिएंसी धीरे धीरे हमारा ग्राफ डाउन ही जाते जाएगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन लेके या पूरा हफ्ता लेके ना बैठे, हमारे पास काफी सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट हमको करना है, तो क्यों ना हर सब्जेक्ट हम देखें। जैसे आप पूरा हफ्ता दाल चावल नहीं खा सकते, आप पूरा हफ्ता बिरयानी भी नहीं खा सकते, वो भी अच्छी नहीं लगेगी फिर। तो इसी हिसाब से हमको हर एक चीज बैलेंस करके, जैसे हम बैलेंस्ड थाली खाते हैं, वैसे हमको सब्जेक्ट्स को भी बैलेंस करके दिन में रोज करना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, साइंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, सुबह भी साइंस है 8 से 9, फिर नीचे भी 5 से 6 साइंस है, तो ऐसे करके हमने डिवाइड किया है। तो आप अपना ऐसे शेड्यूल बना सकते हैं, और फ्री टाइम भी, लिबरल फ्री टाइम है आपके पास, इवन 1 घंटा सोने से पहले भी फ्री टाइम दिया है, क्योंकि जनरली बच्चे जो है वो अदर एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जो भी है मोबाइल पे वगैरह,
तो आप कीजिए, लेकिन लिमिट में। आपको अपने 8 घंटे सही से टाइम देना है पढ़ाई को, और उस टाइम में आपको डिस्ट्रैक्शन बगैर पढ़ना है। देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन, नो थिंग्स वेटिंग कि आपको ये गेम खेलना है या पबजी में कोई बुला रहा है, ऐसे सब नहीं करना है। आपको जब पढ़ाई कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो टाइम जो आपका स्लॉट है स्टडी आ वो आ में आप स्टडी ही करो, उसके अंदर आप उसको जल्दी से खत्म करके कुछ और करने की राह मत देखो। वो हो गया सही से, देन यू कैन गो है एंड हैव योर फ्री टाइम। तो ये दो जैसे शेड्यूल बना है, तो डे टाइम स्टडी नाइट टाइम स्टडी दोनों के अपने बेनिफिट्स है। आपको जो सूट करता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ोगे तो ही होगा, या रात को जाग के आप पढ़ोगे तो ही होगा। जो आपको सूट करे वो आप कीजिए। स्टेप 5, फाइनल स्टेप, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एक्चुअली अब तक हम जो कर रहे थे वो सब प्लानिंग था। ये सब हमने प्लान किया। स्टेप 1 टू स्टेप 4 तक आप पहुंचोगे, मतलब आपने अपना प्लान कर लिया। स्टेप 5 इज एग्जीक्यूशन। हम अपना एग्जीक्यूशन देखेंगे। इसके लिए हमको करना है मेंटेन अ डेली रिकॉर्ड बुक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टेप 5 कर रहे हो मतलब आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो। आप स्टेप 5 नहीं कर रहे हो मतलब आपको आपको खुद को भी नहीं पता कि आप टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेप, मेंटेन डेली रिकॉर्ड बुक। तो आप एक बुक लिख सकते हैं, नोटबुक ले सकते हैं, कोई भी एक शीट, और उसके अंदर आप डेली अपना रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये हम डेली हमने ऑलरेडी बना लिया है। आपने बना लिया होगा अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल कि आप कब उठोगे, कब सोओगे, कैसे बीच के दिन में कैसे आप अपना प्लान करोगे सब्जेक्ट्स को। अब उसके बाद वो तो एक आइडियल है, वो आप एक बना के अपने नो रूम में चिपका सकते हो, आपके वॉल्स पे चिपका सकते हो, वो एक आइडियल तो है। अब डेली रिकॉर्ड बुक में हम एक्चुअल क्या है वो लिखोगे। तो हम डे लिखोगे, जैसे आप अगर 1 जून से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 जून 2020 आपका डेली आपने क्या किया। आपको उठना था 10 बजे, आप उठे कब? अगर 10 बजे उठे ग्रेट, आप 10 बजे लिख सकते हैं। अगर 11 बजे उठे तो 11 बजे लिखो, जल्दी उठ के तो जल्दी लिखो, 9 बजे उठ के जो भी टाइम है, 9:30 उठे वो, तो वैसे आप अपना टाइम लिखोगे कि आप इतने बजे उठे, कितना ब्रेकफास्ट ब्रेक आपने कैसे लिया वो टाइम लिखोगे। सब्जेक्ट आपने कितने, अगर 1 घंटा सब्जेक्ट था आइडियल हमारे आपके टाइम टेबल में 1 घंटा था, 11 से 12 साइंस करना था, लेकिन एक्चुअली आप 1 जून को आपको 11 से 12 आपने साइंस नहीं किया, 11 टू 11:30 आप थक गए, आपको समझ नहीं आ रहा था या आप बोर हो गए जो भी, तो आपने आधा घंटा किया, तो आप 11 टू 11:30 साइंस के वो लिखो। जो आप करोगे वो वैसे वैसे, मतलब दिन भर में जैसे आप काम करते जाओगे वैसे आपकी डेली रिकॉर्ड बुक आपके पास होगी, उसमें आप लिखते जाओगे। इट्स नॉट दैट एट द एंड ऑफ द डे आप जो सोचोगे और क्या क्या लिखोगे, वो बुक में आप कंटिन्यूअसली लिखते जाओगे। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे आप अपना टाइम लिखते जाओगे कि आप कैसे अपना टाइम यूटिलाइज कर। तो दिस इज एक्चुअली यू योर सेल्फ कीपिंग अ ट्रैक ऑन योर सेल्फ। आप खुद अपने टाइम पे ट्रैक कर रख रहे हो। ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है। हमने देखा है स्टूडेंट्स ये करने से काफी कतराते हैं, बिकॉज जो सच है वो सामने आता है, और सच एक्चुअली किसी और के नहीं आपके खुद के सामने आता है कि आप अपना टाइम कैसे वेस्ट कर। तो अगर आप ये करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होना बिल्कुल कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट आप खत्म भी कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास टाइम बहुत होता है, आप टाइम इजीली, हमने देखा 8 घंटे है आपके पास जो आप इजीली अपना फ्री टाइम ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप स्टेप जरूर करो। उसके बाद आता है आप लिखो भी ऊपर कि हमको साइंस सब कुछ 2-2 घंटे करना था लेकिन आपने कितना किया, और वो कम ज्यादा होगा कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट एक समझ तो आए कि आप नहीं कर पा रहे हो। तो आप अगले दिन शायद मैथ्स 1.5 हुआ तो आप शायद अगले दिन अपना थोड़ा फ्री टाइम कम करके आप मैथ्स 2 आवर्स कर लो, नहीं हो पाया तो उस टाइम में कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करके अगर 1 घंटे ही किया है तो अगले दिन 1 घंटे में जो हमने लास्ट प्रीवियस डे में मिस किया था उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से ज्यादा ध्यान फोकस करके आप उसको कवर कर लो। भले टाइम आप ज्यादा ना बढ़ाओ पर आपका कवरेज जो है वो होना चाहिए, मोर इम्पोर्टेंट इज कवरेज। 1 घंटा पढ़ाई की वो आपको लिखने के लिए वो जरूरी नहीं है, 1 घंटा पढ़ के भी आपने ध्यान नहीं दिया जीरो जीरो प्रोग्रेस हुआ, 0% प्रोग्रेस। लेकिन अगर आपने आधा घंटा भी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ लिया जो आपको 1 घंटे में करना था आपने आधे घंटे में कर लिया, वेल एंड गुड। फाइनली हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि दिन के 8 घंटे दिखने चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा सिलेबस जो है जितना हमारा टारगेट है वीकली का टारगेट है जो भी वो कवर होना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम टाइम भी ऐसे लिखते हैं कि हम अपना टाइम भी सही से यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि टाइम हमारे को हमको अगर आधे घंटे में साइंस हो सकता है तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, उससे आगे का भी कर सकते हैं। तो एक टाइम भी जरूरी है और सिलेबस कवर करना भी जरूरी है। तो आप इसका ट्रैक रखो।
और स्टडी विथ नो डिस्ट्रैक्शंस। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब स्टडी आ है, आपको पता है कि 8 से 9 मुझे जो है, या 10 से 12, 10 से 11 मुझे साइंस करना है, तो उस 1 घंटे में आप अपना फोन दूर अलग रखो, उसके ऊपर नजर मत रखो, उसको अलग से साइलेंट करके अलग रख लो। 1 घंटा पढ़ाई के बाद आपके पास फ्री टाइम होगा, उस फ्री टाइम में आप उसको देखो क्या हो रहा है क्या है। आप थोड़ी थोड़ी देर से कुछ मैसेज आया, आप देखते जाओगे फोन को, तो आपकी पढ़ाई पे डिस्ट्रैक्शन होगा, वो 1 घंटा जो पढ़ाई का है वो नहीं हो पाएगा। या तो आप चेंज कर लो, अगर ऐसे कोई इंपॉर्टेंट कुछ हो रहा है फोन पे, है आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी है, तो अगर आपको वो करना है तो अपना टाइम आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आइडियल टाइम टेबल है, लेकिन जो दिन में एक्चुअली हो रहा है उस हिसाब से अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका फ्री टाइम आधा घंटा बाद में था, अगर आपको अभी लेना है अभी लो, फोन जो भी है यूज करो, उसके बाद 1 घंटा आप अपनी पढ़ाई करो। तो जब पढ़ाई का 1 घंटा जो आपने डिसाइड किया है ऑन दैट डे ऑल्सो, आप उस टाइम में डिस्ट्रैक्शन नहीं लोगे। तो 1 घंटा ऐसे एक एक घंटा करके हमको आइडियली 8 घंटे करने हैं, तो उस घंटों में आप डिस्ट्रैक्शन मत रखो अपने पास, दूर रहो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। रिमेम्बर, आपने पहले 9th स्टैंडर्ड तक आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे आपके रिजल्ट्स आए, क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द पास्ट हैज नो पावर ओवर द प्रेजेंट मोमेंट। अभी जो आपके पास टाइम है, इसमें आप जैसी पढ़ाई करोगे, जैसी मेहनत करोगे, उससे आपका रिजल्ट आएगा। एंड बोर्ड एग्जाम का टेंशन होता है, बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ा कहा जाता है, पहला एग्जाम होता है इम्पोर्टेंट एग्जाम स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन बोर्ड एग्जाम भी काफी सिंपल है, इजीली टैकेबल है। आप सोचोगे तो कितने स्टूडेंट्स 90% प्लस लाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। सिलेबस भी इजी होता है, क्वेश्चंस पेपर्स भी इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो अगर आप सही प्रिपरेशन करोगे तो आपका गोल जो है, आप जो परसेंटेज अचीव करना चाहते हो वो इजीली अचीव हो सकता है, इजीली 10th स्टैंडर्ड पास हो सकती है, बहुत इजीली यू कैन पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तो इस साल पे कंसंट्रेट करो, 9th स्टैंडर्ड तक आपने कैसी पढ़ाई की, कैसे मार्क्स है, उस पे ध्यान मत दो। एंड ऑफ कोर्स अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, जितने अच्छे परसेंटेज से आप पास होना चाहते हो उतने अच्छे परसेंटेज से आप पास नहीं हो पाओगे। तो पढ़ाई करना तो है ही, और आपकी हेल्प के लिए हमने भी ऑनलाइन क्लासेस अब स्टार्ट की है, तो सारे सब्जेक्ट्स जो है ऑनलाइन क्लासेस पे अवेलेबल है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था, 2 कोर्सेज है हमारे स्टिमुलस कोर्सेज, जिसके अंदर हम आपको वीडियो सारे सब्जेक्ट के दे देंगे, और जो बूस्टर कोर्स है उसके अंदर टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे। तो जो हम संडे टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो संडे टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप इसमें सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी आप एनरोल कर सकते हो, और फुल कोर्स भी आप ले सकते हैं। तो नॉमिनल फीस पे ये आपको अवेलेबल है। एंड विश एवरी वन ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट SSC बोर्ड एग्जाम, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम इन 2021। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।